पुलाओ, क्योंकि बच्चे कुछ खा नहीं रहे थे। हमने कलेजी वगैरह भी बनाई थी ईद वाले दिन, और हमने उसके बाद हमने बनाया था गोश्त का सालन, लेकिन बच्चों ने इतना खुश होके नहीं खाया। तो आज मैंने सुबह सुबह बच्चों से पूछा कि क्या खाना, तो उन्होंने कहा कि पुलाव बना लो। तो ये एक बच्चा जो वो पुलाव नहीं खाता बिल्कुल, वो गोश्त के नज़दीक भी नहीं जाता, उसको गोश्त से एलर्जी है। ईद वाले दिन भी जब हम लोग गोश्त बांट रहे थे, वो बाहर चला गया था। उसको कहता कि मुझे बहुत स्मेल आती है, तो उसने अपने लिए चने और नान मंगवाया। तो मैंने ये डिश इधर रखी थी, तो उसने पकड़ के ना साइड पे कर दी कि इसमें जो ये पुलाव की स्मेल मेरे चनों में चली जाएगी, तो आपने इसको साइड पे कर देना। तो आप बुलाते हैं बच्चों को और बच्चों को देते हैं। अभी सुबह का टाइम है, अभी हमारा तो नाश्ता ही है, तो नाश्ता तो हल्का फुल्का था, लेकिन हमने सुबह पुलाव पकाया, तो बच्चों को बुलाते हैं और उनको देते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले, सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए, और जो बेलाज अल्लाह ताला उनको नेक लाला अता फरमाए। जिनके वालदे जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदर उसकी बे लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके वालदे फात पागे अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के तो ऑल पे भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीवर, आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास जा रही हूँ। परसों ईद वाले दिन भी गई थी और आज भी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी एक कज़न आई हुई है, उसकी शादी दूर हुई है, और मैं जब से उसकी शादी मैं उसके पास नहीं गई, तो वो मेरी कज़न आई है, मैंने उससे मिलना है। तो परसों ईद वाले दिन वो मैं गई थी, मेरी और मेरी जो अम्मी है दोनों की शादी गांव में हुई थी, और मेरी खाला भी उधर रहती थी, और मेरी अम्मी भी उसी गाँव में रहती थी, मेरे पेके भी उधर है, और मेरी जो कज़न आई है उसके पेके भी उधर है। तो अपने भाइयों के पास वो आई हुई थी, तो इधर उसकी सिस्टर रहती थी, वो सिस्टर के पास रह के तो वो चली गई अपने भाई के पास। उसके भाई ने, उसका भाई दूसरी जगह पे रहता है, तो वो वहाँ चली गई थी, और उसकी जो भाभी थी उसने अपने मेके जाना था, तो वो फिर ईद के बाद उसने मेके जाना था, तो वो एक दो दिन इधर रह के चली गई थी। तो मैं परसों जब गई थी वो मुझे नहीं मिली थी, तो आप मेरी भाभी कह रही थी तो उसने वापस आना, तो आप परसों आ जाना। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी कज़न से, मैंने उससे मिलना है, तो देखते हैं कि वो इधर आई है गांव में कि नहीं अभी आई। अगर इधर आई हुई तो फिर उससे भी मिल लेंगे, और अपने भाई के घर भी मैं जा रही हूँ। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? और मेरी आज की छुट्टी रह गई थी, कल मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो जानी है, और फिर से ड्यूटी शुरू हो जानी है, और फिर से वही काम शुरू हो जाना जो हम लोग करते हैं। और इतनी गर्मी में काम करना तो बहुत मुश्किल है, और इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल, बाहर निकलना और ड्यूटी पे जाना तो बहुत मुश्किल है। मैनू आन दी मौत नज़र, जैसे पंजाबी में कहावत है कि मौत नज़र आती है, तो मैनू मौत नज़र आन दी है कि कल से फिर मेरी ड्यूटी है, और तीन चार छुट्टियाँ थी मुझे, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? आपने ईद इन्जॉय की कि नहीं की? मैंने तो बहुत की, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो सुबह हम लोग जब उठे तो हमने बीफ का पुलाव बनाया था और बच्चों को वही खिलाया था। तो अब दोपहर का टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं उधर, और एक बच्चा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बच्चा कोई किसी किस्म का भी वो चिकन वगैरह गोश्त वगैरह नहीं खाता, तो उसने नान चने मंगवाए थे, नान चने ला के उसने वो उसके साथ नाश्ता किया था। अब दोपहर के खाने में फिर वो कह रहा है कि मुझे पैसे दो, मैंने कोई नान पकौड़े ला के मैंने खाने हैं, तो पैसे मांग रहा है, क्योंकि उसे गोश्त से और चिकन से मुर्गी का तो वो कभी कभार खा लेता, लेकिन बीफ मटन वगैरह उसे बहुत ज़्यादा उसे एलर्जी है। और ईद वाले दिन जब हमने कुर्बानी दी और गोश्त बांट रहे थे, तो छोटा सीख गया था बाहर लोगों के घरों में गोश्त बांटने, और वो बाहर रहा था जितनी देर हम लोग गोश्त बांट रहे थे, जब हमने गोश्त बांट लिया था तब वो आया था, और वो जो भी गिलास पकड़ता था या कोई बर्तन पकड़ता था तो उसको कहता था मुझे इसमें से जो गोश्त की स्मेल आ रही है, तो वो इस तरह से कहता है। सीब भी तैयार हो गया, सीब भी मेरे साथ आ गया, सीब भी खड़ा हो गया, और सीब आप लोगों से बात करना चाहता है। कैसे हैं लोग? करता हूँ ठीक होंगे। ईद का तीसरा दिन है, तो मैंने ईद बहुत इंजॉय की है, तो आज मैं अपनी मम्मा के साथ जा रहा हूँ अपनी मम्मी घर,
अपने कजन वहाँ भी आ रहे हैं तो मैं इंजॉय करूँगा वहाँ भी। ईद के 2 दिन मैंने बहुत इंजॉय किया। आपने कमेंट करके बताना मैं कैसा लगा। तो हसीब को ये वाली शर्ट मैंने पूरा बाजार मैंने फिरा के, मुझे हमारे पास जो बाज़ार था वो उस बाज़ार में मैं गई थी, तो पूरा बाज़ार मैंने फिरा मैंने, तो मुझे हसीब भी ये वाली शर्ट, हसीब डबल शर्ट मांग रहा था, ये नीचे ब्लैक कलर की ऊपर फिरोजी कलर की है, तो मुझे नहीं मिली थी। फिर मैं अगले बाज़ार गई और वहाँ से मैंने ढूंढ के वो हसीब के लिए मैं ये शर्ट वगैरह लेके आई हूँ। तो हसीब को ये बहुत पसंद है, और हसीब ने शादी में भी पहनी थी और ईद पर भी हसीब ने कहा था मैंने यही पहननी है, शलवार कमीज मैंने हसीब की सिलवाई थी, तो हसीब ने शलवार कमीज़ नहीं पहनी थी, यही वाली पैंट शर्ट हसीब ने पहनी थी, और आज भी ये हसीब ने यही पहनी है। और हसीब को जो सूट पसंद है ना, वो हसीब फिर उसको उतारता नहीं मेरी तरह, मुझे भी जो सूट पसंद है ना मैं उसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, तो हसीब का भी यही हाल है कि हसीब को ये पैंट शर्ट बहुत पसंद है और हसीब ने फिर आज यही पहनी है। तो ये थी मेरी आज की जो छोटी सी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी गर्मी है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आपकी ईद कैसे गुजरी, कमेंट में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।